What's your name, by the way? Prao. Prao? Prao. Thank where, you so much. Where are you from? I'm from India. तो भाई ये पूरा स्टेशन है यहाँ का सामयान. दिस स्टेशन इज सामयान, राइट? आपको मैं एक बार ना मेट्रो दिखा देता जाते वक्त. ये है मेट्रो यहाँ की. तो भाई मैम सर्च करके दे रही है हमको बस स्टैंड कि कहाँ से हमें बस मिल सकती है. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. एंड हाउ ओल्ड यू आर? लाइक आई एम 16. तो यार मैं ना अभी सड़क से गुजर रहा था और मेरे को पता नहीं क्यों जापान की वाइब आ रही है यहाँ पे. जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक और बहुत ही कमाल फ्रेश ब्लॉग के अंदर. तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बैंकॉक थाईलैंड, जो कि थाईलैंड की राजधानी है. और आज तकरीबन 3 से 4 दिन मैं बैंकॉक में रहने के बाद जा रहा हूँ यहाँ पे एक और बहुत ही खास शहर है जिसका नाम है पटाया. तो पटाया शहर जा रहे हैं हम लोग, जो कि सुना है मैंने बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से है भी लगभग 150 किलोमीटर. भी बैंकॉक अच्छा खासा एक्सपेंसिव है. मैं सुबह 2 केले लेने गया था, वो भी मेरे को लगभग 50 रुपये के पड़े. पानी की बोतल पड़ती है 30-40 रुपये की. तो हाँ, बैंकॉक थोड़ा एक्सपेंसिव तो है. बाकी कोई बात नहीं, अभी बस मैं निकला हूँ मेरे हॉस्टल से चेकआउट करके. हमको पहले जाना है हमारे जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, आगे सीधा एकदम स्ट्रेट जाके मुड़ते ही मेट्रो स्टेशन है. मैं जा रहा हूँ पहले हमारे मेट्रो स्टेशन पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा पटाया की तरफ और देखते हैं भाई पटाया कैसा है. बाकी पटाया भाई फेमस है अपनी बीचेस के लिए, कि बीच जो बीच लाइफ है यहाँ थाईलैंड में वो या तो फेमस है फुकेट की या फिर फेमस है पटाया की. मेरा पहले ना प्लान था फुकेट जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास 6 से 7 दिन बचे हैं यहाँ पे और मैं 1.5 दिन तो फुकेट जाने में लगेगा, 1.5 दिन फुकेट आने लगेगा, क्योंकि वो लगभग भाई 800-900 किलोमीटर है बैंकॉक से. तो मैंने सोचा कि 1.5 दिन जाने में 1.5 दिन आने 3 दिन तो सफ़र में निकल जाएगा. तो मैं फुकेट घूमूंगा कितना, लगभग 3 दिन, जो कि मेरे को ठीक नहीं लगा. मैंने कहा इनफ नहीं है, तो फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया पटाया को. तो चलते हैं अब भाई हमारे मेट्रो स्टेशन की तरफ. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की वेंडिंग मशीन से आप टिकट कैसे निकाल सकते हो. पहले तो स्क्रीन पे टैब करके इसे स्टार्ट कर दो, फिर मैं लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा. अब मेरे को जाना है सुखुमवीत. ये सुखुमवीत है, टच हो जा. सुखुमवीत के ले रहा 26 बाट. सुखुमवीत से मुझे ग्रीन लाइन लेनी है. देखो ये अपने 100 बाट अंदर गए, ये इसने काट ली अपने, टिकट आ चुकी है हमारी. अब ये बाकी रुपये अपने को वापस कर देगा. ये देखो देखो भाई कितने सिक्के आए हैं. तो चलते हैं यहाँ पे मेट्रो के अंदर, अपना जो कॉइन है उसे यहाँ पे स्कैन करो. खुल गया, चलो अंदर. हम लोग जा रहे हैं सुखुमवीत. तो सुखुमवीत के लिए हमें ये देखो यहाँ लिखा हुआ है टू सिलोम टू सुखुमवीत नीचे. तो ये लो भाई हमारी मेट्रो आ गई है, चलते हैं मेट्रो के अंदर. तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे सामयान और देखते हैं कि बाहर चल के कैसा है. मेरे को ना यहाँ के स्टेशन्स के बारे में इतना नहीं पता वैसे तो, कि मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेशन्स हैं. एंड बस यहाँ का मेट्रो का जस्ट एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं. बस हमें कहाँ से मिलेगी, किसी लोकल से पूछना पड़ेगा मेरे को लग रहा है. एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर कैन आई गेट फुकेट बस फॉर फुकेट? फुकेट 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 No, no. I'm gonna go Bangkok to Phuket by bus, but I don't know from where I can get the bus. Oh, maybe you should ask like the authority because I'm not sure. Yeah, sure. तो भाई ये पूरा स्टेशन है यहाँ का सामयान. दिस स्टेशन इज सामयान, राइट? तो भाई ये स्टेशन है. बाकी मेरे को ना ये तो पता लग गया कि यहाँ से ट्रेन जो मिलेगी मुझे बांगसू से मिलेगी, लेकिन मुझे इसकी जो बस के बारे में नहीं पता. By bus, right? Okay. But from where I can get the bus in Bangkok? Any special bus stand or something? Is there nearby any bus stand or something? So can I? I don't think it's near here at all. Uh-huh.
ओके ओके। तो भाई मैम सर्च करके दे रही है हमको बस स्टैंड कि कहाँ से हमें बस मिल सकती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। So that I get to know how many hours completely it's taking to arriving. So I think around like 12 to 16 hours. 12 to 16 hours. So if I get in a bus maybe 4 in a evening, like so I reach other day yeah. maybe at 8 or 9 yeah. or 10. Yeah, possibly. Okay. So these are the bus stand in Bangkok and yes. it took 12 to 14 to 16 hours to reach. Yes. Oh. थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये व्हाट्स योर नेम बाय द वे? प्राव। प्राव, थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम इंडिया। कैन यू टैप योर यूट्यूब चैनल? या श्योर। तो भाई ये व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगेट। प्राव। प्राव, यस। प्राव, ओके। तो भाई इसे यू हैव यूट्यूब? यूट्यूब, यस। तो इसे मैं भाई मैं अपना यूट्यूब खोल के दे रहा हूँ। तो ये भाई प्राव, राइट? यस। प्राव। इससे मैं अपना सो दीज आर माय वीडियोस फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव अनदर चैनल। आई हैव टू चैनल्स। सो आई एम जस्ट आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर यू कैन से। सो भाई ये है प्राव, इसने मेरी बहुत मदद की है फाइंडिंग बस और सब कुछ के लिए, टाइमिंग उसका कितना प्राइस लगेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू। यू आर स्टूडेंट और समथिंग? यस, आई एम करंटली स्टडीइंग। व्हिच क्लास और यूनिवर्सिटी? आई एम इन हाई स्कूल राइट नाउ। हाई स्कूल, द 12th? या। एंड हाउ ओल्ड यू आर? लाइक आई एम 16। रियली? या। You know, you really don't look like 16. Really. Thank you so much. Thank you so much. Hell, thank you. Enjoy. Okay. तो भाई यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। मतलब थाईलैंड के लोग ना इतने ज़्यादा फ्रेंडली है कि उनसे थोड़ी सी भी हेल्प मांगोगे ना तो वो आपकी अच्छी खासी हेल्प कर देंगे। अभी वो मैडम, हालांकि इस लड़की को सब कुछ नहीं पता था कि मुझे बस कहाँ से मिलेगी क्या कुछ, तो इसने एक मैडम को बुलाया अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसे समझाया कि इसे मदद की ज़रूरत है, इसको बताओ कि कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से क्या है क्या कुछ। तो इसने इतनी ज़्यादा मेरी मदद की। अभी मेट्रो से जस्ट अभी नीचे उतरा हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही खास मेट्रो के अंदर जिसका नाम है BTS स्काई ट्रेन। शायद से वो ना जैसे अभी जिस मेट्रो में आई अंडरग्राउंड चलती है, लेकिन वो जो मेट्रो है वो ऊपर की तरफ चलती है। तो हाँ, वो मेट्रो काफ़ी खास है। तो वो मेट्रो लेके हम लोग जाने वाले हैं हमारी अगली जो लोकेशन है वहाँ पे। बाकी मेरे को देखने पड़ेगा BTS का ट्रेन के लिए मेरे को कहाँ से जाना होगा। BTS अशोक स्टेशन देखना पड़ेगा, किसी से पूछ लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है स्टेशन के बारे में। आई थिंक इधर से पूछ लेते हैं कहीं से। तो अभी मैं यहाँ की एक मैडम से पूछ के आया हूँ, वो कहती कि आपको ना मेट्रो बदलनी पड़ेगी, यहाँ से BTS जो स्काई मेट्रो है वो लेनी पड़ेगी। तो पहले तो यहाँ से ले लेते हैं एग्जिट, ये छोड़ दिया हमने। अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ और जाके अपनी जो BTS स्काई मेट्रो है वो लेंगे। और जिस स्टेशन पे मैं जा रहा हूँ उसका नाम है इकामाई, मतलब इकामाई करके कुछ है वो। तो वहाँ जस्ट उतर के हम लोगों को बस स्टैंड से बस लेनी है। चलते हैं ऊपर की तरफ हम लोग भी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे BTS जो है स्काई लाइन वहाँ पे। तो कुछ ऐसी यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स होती है, मेरे को लग रहा है लाइन में लग के फिर टिकट लेना पड़ेगा। तो चलो यार पहले लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद लग जाएंगे। ये देखो BTS, मतलब जो कोरियन बैंड है शायद उसके नाम पे रखा हुआ है। तो हाँ, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे तीन वेंडिंग मशीन है, तीनों में से हम किसी से भी अपनी जो टिकट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे दो तरह की मेट्रो चलती है, एक तो जो नॉर्मल मेट्रो है जो अंडरग्राउंड चलती है, उसके अलावा एक है BTS मेट्रो जो कि जो शायद स्काई की तरफ चलती है। तो ये है भाई यहाँ का कुछ इंटरफेस, मैं इंग्लिश कर देता हूँ। सो हमको जाना है इकामाई E7, हमें जाना है इकामाई, राइट? तो हमने जो हमारी ट्रेन की टिकट है, या फिर कहूँ कि हमारी जो स्काई मेट्रो उसकी टिकट ले ली है, ऐसी कुछ टिकट मिली है, मतलब बड़ी यूनिक सी टिकट है। ये देखो,
मतलब बड़ी यूनिक सी टिकट है। इसको यहाँ पे स्कैन करते हैं, डोर खुल चुके हैं। तो ये लो भाई, हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। एक मेट्रो गई है और एक आ रही है। वो पर्पल मेट्रो थी और ये काइंड ऑफ रेड और वाइट मेट्रो है। तो ऐसी कुछ है यहाँ की स्काई मेट्रो। बस डोर ओपन हो जाए फिर चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। अच्छी खासी मेट्रो है यार, कुछ भी कहो। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यार बैंकॉक के अंदर, क्योंकि बड़ा यहाँ पे ये शहर है तो शायद भीड़ होना तो ऑब्वियस है। चलते हैं हम लोग अंदर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एकामाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। मैं एक बार आपको यहाँ की ना मेट्रो दिखा देता हूँ कैसी होती है यहाँ की मेट्रो। तो कुछ ऐसी मेट्रो है यहाँ की, देखो वो सामने वो उधर पर्पल मेट्रो है, ये इधर रेड मेट्रो है। आपको मैं एक बार ना मेट्रो दिखा देता जाते वक्त। ये है मेट्रो यहाँ की। इधर से ये मेट्रो गई है और इधर से ये भी चल पड़ी। और बड़े मस्त मस्त से एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं इन्होंने मेट्रो पे। तो ये देखो, तो कुछ ऐसी होती है भाई इनकी मेट्रो, बड़ी मस्त है यार। बाकी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ एकामाई। यहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे अपने बस टर्मिनल पे बस लेने के लिए, जो कि मुझे लेके जाएगी पटाया। अब जाके बस देखते हैं बस कितने की मिलती है, कितने बजे की मिलती है, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं बस का। चलते हैं नीचे जाके देखेंगे। दिस वे वेयर ओके। तो भाई हमको मिल चुकी है यहाँ पे पटाया की गाड़ी 150 आर में। ये देखो, ये कोई प्राइवेट व्हीकल ही है, मतलब बस वगैरह तो नहीं है, पर ठीक है। चलो 150 भारत में हम लोग पहुँच जाएंगे पटाया। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र होने वाला ही है। गर्मी बहुत है बाहर, सच बताऊँ तो मेरे को इतनी गर्मी लगी, पर ठीक है चलते हैं पटाया की तरफ। 1.5 घंटा लगने वाला मेरे हिसाब से। कुछ ऐसा व्यू है बाहर का। तो भाई बैंकॉक के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हमें सिटी से बाहर निकलने में लगभग आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैं आपको बाहर दिखाऊं, देखो कितनी भीड़ है, मतलब इतनी धीरे धीरे चल रही है हमारी गाड़ी। सामने भी देखो, इधर भी पूरी भीड़ हो रखी है यार। मतलब बहुत बड़ा शहर है यार ये, बाहर निकलने में। और ये देखो, ये इनके जो किंग है उनकी फ़ोटोज़ है। एक 9th किंग है, एक 10th किंग है। अभी जो बैंकॉक, जो ये थाईलैंड है, बैंकॉक में रहते हैं इनके किंग। तो अभी उनकी 10th जनरेशन चल रही है। उससे पहले जो इनकी 9th जनरेशन थी वो चल रही थी। अभी 10th जनरेशन के जो किंग है वो लगभग 60-70 साल के इनके। मेरे को जो अंकल मिले थे ना यहाँ के, मेरे को वो बता रहे थे। बाकी यार सिटी काफ़ी सुंदर है, बाहर निकलने में टाइम तो लगेगा थोड़ा यार। गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है, जितना मतलब हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई स्टॉप आ जा रहा है जहाँ हमको रुकना पड़ता है। तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक हम पटाया नहीं पहुँचे। मतलब बड़ा ट्रैफिक सा है और बड़ा धीरे चला रहा है ये भाई गाड़ी। और शाम के लिटरली 6 बज चुके हैं। मतलब दिखाऊँ आपको, बाहर एकदम शाम हो गया और थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा। ये देखो बहुत टाइम लग रहा है यार अपने को। अभी भी मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर है, तो शायद से आधा ही घंटा और लगेगा, देखते हैं। बाकी जितना जल्दी पहुँचे उतना बढ़िया है। तो ये देखो, यहाँ पे थाईलैंड के जो राजा हैं ये उनकी फ़ोटो है, और ये यहाँ पे हर जगह लगी रहती है। अभी जो इनकी है ना 10वीं पीढ़ी चल रही है राजा की, तो ये इनके 10वें राजा है और इनकी उम्र लगभग 60-70 साल के आसपास है। अभी मैं कल रात को जिन अंकल के साथ बैठा था ना, वो मेरे को बता रहे थे इनके बारे में। इनका पैलेस है बहुत बड़ा बैंकॉक में, और मतलब हालांकि एंटर तो नहीं कर सकता कोई भी आम इंसान उसे, तो टूरिस्ट के लिए नहीं है वो बिल्कुल भी। पर हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह दिखाई तो बहुत बड़ा पैलेस है उनका, और इनकी नेटवर्थ है लगभग 30-40 बिलियन डॉलर्स। देख लो, ये इनके 10वें राजा है, और हर जगह आपको इनकी फ़ोटो मिल जाएगी बैंकॉक में, थाईलैंड में इवन। भाई लिटरली मैं पिछले 20 मिनट से वॉकिंग कर रहा हूँ। मतलब मेरा हॉस्टल जो था 3.5 किलोमीटर था जहाँ से मुझे शटल ने छोड़ा था,
अब मेरा हॉस्टल सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है, यानी कि मैं 1.5 किलोमीटर तो पैदल ही कवर कर चुका हूँ। ना ही तो मेरे को कोई ऑटो मिला, ना ही तो यहाँ पे कोई ऊबर चलती है, ना ही कोई ऑटो है, ना ही कोई ऊबर है। पता नहीं भाई, मतलब मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई ऑटो है क्या, ना ही मेरे को कोई ऑटो मिला कि जिससे मैं बात करके पूछूं। अभी भी मेरा जो हॉस्टल है 2 किलोमीटर है और मैं इतना थक चुका हूँ क्योंकि मेरे साथ लगभग 10-12 kg का वेट भी है, एक मेरा बड़ा वाला बैग, एक मेरा लैपटॉप बैग। देखते हैं भाई कैसे होगा, मतलब कमाल ही है कि कोई मेरे को ना ऑटो मिल रहा है ना कुछ। बाकी गलियाँ बड़ी शानदार है, खूबसूरत है यार, नीट एंड क्लीन। अभी भी खैर 2 किलोमीटर है, चलते हैं पैदल पैदल। मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑटो नहीं मिला तो मैं 2-4 किलोमीटर पैदल भी चल लूँगा। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वेदर ठीक नहीं है, अगर बारिश आ गई तो मेरा सारा सामान भीग सकता है, मैं जाऊँगा कहाँ, मेरे को तो वो दिक्कत है। तो बस आई होप कि जब तक मैं अपने हॉस्टल पहुँच के चेक इन ना कर लूँ तब तक बारिश ना आए, बाकी पैदल चलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैं ना अभी सड़क से गुजर रहा था और मेरे को पता नहीं क्यों जापान की वाइब आ रही है यहाँ पे। जरा देखो यार, मतलब वैसी ही सड़कें हैं, हल्का हल्का ब्लू कलर है साइड में। मैं ऐसी मूवीज में देखा करता था, जापान की जो मूवीज है ना उनमें मेरे को ऐसी सड़कें देखने को मिलती थी, एकदम नीट एंड क्लीन, वही वाइब आ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रखी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सच में जापान आ गया हूँ। इतना अच्छा लग रहा है यार ये चीज़ देखकर। मूवीज में देखा करता था मैं ये चीज़ें कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो मेन कैरेक्टर है वो खाली रोड पे चल रहा है। पता नहीं अगर आप में से किसी ने वो मूवीज़ देखी हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। मतलब खुद ही देखो यार, मतलब सब कुछ मेरे को वैसे ही लग रहा है, पीछे भी एकदम खाली रोड है, वही देखो ब्लू कलर साइड में कर रखा है, और ये देखो भाई क्या क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है। वो गाना गा दो क्या, अरे भाई मजा आ रहा है यार। पटाया का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को बड़ा सही लगा यार, सही बताऊं तो। मतलब जो लोग के ड्रामास या जैपनीज ड्रामास देखते हैं मेरी तरह, वो लोग तो समझ पा रहे होंगे कि मैं आखिरकार बात क्या कर रहा हूँ, बाकी लोगों के तो सर के ऊपर से निकल रही होगी। तो भाई अपने को मिल चुकी है यहाँ पे एक छोटी सी लिफ्ट एक थाईलैंड के अंकल के द्वारा। ये कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ हैं और इन्होंने अपने को लिफ्ट दे दी, मतलब कि मांगो तो दुनिया जान दे देती है, ये तो फिर भी लिफ्ट है। थैंक यू सो मच वेलकम। तो भाई ये अंकल ने मेरे को छोड़ दिया यहाँ तक मेरे हॉस्टल के बिल्कुल ही पास ही। मतलब मैंने इनको सिर्फ इतना बोला था कि आप ना मेरे को इस रास्ते पे जितना आगे तक जा रहे हो ना उतना आगे तक छोड़ दो, और ये भाई साहब मेरे को 1.5-2 किलोमीटर पूरा ही छोड़ने आ गए मेरे हॉस्टल। मतलब मेरा हॉस्टल बस एक गली में मुड़ते ही मेरा हॉस्टल है। तो कभी कभी ऐसे कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं कि हालांकि मैं पे कर रहा था इन अंकल को, मैंने बाइक पे बोला था कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो ये कहते नो प्रॉब्लम, और हालांकि इनका रूट भी नहीं था ये, फिर भी ये मेरे को छोड़ने के लिए यहाँ तक आए। और ये भाई हमारा हॉस्टल, हैप्पी हॉस्टल पटाया, पहुँच गए हम लोग फाइनली। रिसेप्शन कहाँ है? तो भाई जस्ट अभी हमारे जो होटल है यहाँ पे चेक इन किया है। मेरे को यहाँ पे कुछ इंडिया से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मतलब दोस्त मिले हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, बहुत लंबी होगी वीडियो, एंड पसंद आई तो एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अंटिल देन बाय, गुड नाइट, सी यू। बहुत थक गया हूँ यार आज। देखना इतना, ये वजन पीछे ये वजन और फिर ये, मतलब इतना वेट कैरी करके चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी यू।